आर योर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इम्प्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इम्प्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो. इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके. चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत कंसाइज वे में पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन हमें इसको ऐसे लेके चलना है कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, सो दैट आप एक बार जब भी रिविजन करने के लिए इस वीडियो को देखें तो पूरा चैप्टर की समरी आपके सामने एक बार क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, चलिए इस चैप्टर का देखिए शुरुआत कहां करते हैं. टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस प्लस लिक्विड का, और सॉलिड प्लस लिक्विड का, और लिक्विड प्लस लिक्विड का. हमारे पास ये तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हमें तीनों टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, उन पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर पता होना चाहिए. पहले हम गैस प्लस लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं. गैस प्लस लिक्विड का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनमें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को देखेंगे, तो क्या होगा. इन दिस केस गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन में जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. In that case, solubility decreases. और अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी विल इंक्रीजेस. और उस इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी को किससे कैसे शो किया जाएगा, उस इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी को हम लोग किससे शो करेंगे, हेनरीज लॉ से. तो हेनरी लॉ क्या था हमारे पास, पार्शियल प्रेशर इज हेनरी कॉन्स्टेंट इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड हेनरी कॉन्स्टेंट, और इस हेनरी कॉन्स्टेंट की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होती है, यानी एक प्रेशर का ही टर्म होता है. एक्चुअली यहां पर होगा क्या कि गैस और लिक्विड के बीच में एक सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम बनेगा, उस सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये हेनरी कांस्टेंट, और जो कि ये केपी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है, तो ये भी अगर ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सब टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं. तो आपको ये याद रखना होगा, हेनरी कांस्टेंट. ठीक है भाई, और हेनरी कांस्टेंट के जब क्वेश्चन करते थे, एक छोटा सा अजम्पशन है आपको दिमाग में अपने रखना होगा कि जो भी सॉल्यूट के मोल होंगे, जो भी सॉल्यूट के मोल होंगे उसको आप सॉल्वेंट के मोल्स के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट लेके चलेंगे. यानी मोल फ्रैक्शन वैसे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विच इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन. आपको ये अजम्पशन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ हेनरी लॉ में ये छोटा सा अजम्पशन है, इसको लेने के बाद ही आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा. चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हेनरी लॉ के जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट है, हेनरी लॉ से के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आता है सॉलिड प्लस लिक्विड का सोल्यूशन. जब एक सॉलिड को एक लिक्विड के सोल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो होगा क्या, उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब देखा जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उस वक्त क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिपेंड करेगा कि वो इक्विलिब्रियम में कैसे आगे बढ़े. अगर वहां पर, अगर उस जगह पे वो एक एंडोथर्मिक सोल्यूशन है, इन दैट केस टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट अगर वो एक एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी. 98% ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है. ठीक है भाई, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस पे नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉलिड है, सॉलिड ऑलरेडी हाईली कंप्रेस स्टेट में होते हैं, उनको आप कितना भी प्रेशराइज करें वो फाइनली फर्दर कंप्रेस नहीं होंगे, इसलिए उनके ऊपर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब हमारा इस चैप्टर की जो मेन स्टडी फोकस्ड होती है वो थर्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन में, लिक्विड प्लस लिक्विड के सॉल्यूशन में. ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा था लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन. जब आप एक लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो यहां पर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड, पहला केस. दूसरा केस होता है एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस वोलाटाइल लिक्विड. तो हमारे पास ये दो तरह के लिक्विड सॉल्यूशन मेनली हमें स्टडी करने हैं, एक वोलाटाइल लिक्विड को वोलाटाइल लिक्विड में और एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड को वोलाटाइल लिक्विड में सॉल्यूशन बनाना है. ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड से. तो स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का शुरुआत होगा हमारा वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड के साथ में इस चैप्टर को. चलिए शुरू करते हैं वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड्स. जस्ट अ सेकंड,
वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड, इसको जब हम लोग इस तरह के सोल्यूशन को बनाते हैं तो इस तरह के सोल्यूशन में हमारा जो लिक्विड सोल्यूशन बनता है वो ये लॉ फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ। तो व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन रहते हैं तो एक कॉन्स्टेंट हम लोग लगाते हैं पी नॉट, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स, वेयर पी इज पार्शियल प्रेशर, पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। तो यहां पे तीन टर्म होंगे, इसको हम लोग राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। इस राउल्ट्स लॉ को यूज करते हैं और एक लिक्विड सोल्यूशन में सारे फॉर्मुले डिराइव वगैरह करते हैं, आपको ये डायरेक्टली यूज करने को आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं। हमने एक लिक्विड सोल्यूशन लिया, उसमें हमने दो लिक्विड लिए, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। इस लिक्विड ए का मास हमारे पास था, इसका मास हमने यहां पर लिया हुआ m1 और इसका मास लिया हमने m2। इसका मॉलिकुलर मास होगा कैपिटल m1 और इसका होगा कैपिटल m2। इसके मोल हमने स्मॉल n लिए और स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 बाई m1, और कैपिटल इसके मोल्स हमने लिए कैपिटल n और इसकी वैल्यू हो जाएगी m2 बाई m2, ठीक है भाई। अब इनके मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ a, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला सब नोट करते जाइए, मैंने शुरू से ही सारे लिख दिए सो दैट आप क्वेश्चन करते समय आपको कुछ भी मिस ना होने पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होना चाहिए, ये हमेशा वन होना चाहिए, यानी किसी एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हमें पता है तो दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर अगर PA है, दूसरे लिक्विड का पार्शियल प्रेशर PB है, तो इसका अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेशन क्या क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, और दूसरा इधर क्या बनेगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, आपके पास ये दो रिलेशन भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों लिक्विड्स के पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ये आप वैल्यू यहां पे दोनों उठा के पुट कर दीजिए, आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लिक्विड प्लस लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमें यहां पर ये सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। मैं एक बार सारे फॉर्मूलाज मेनली जो है वो हमारे हाईलाइट कर देता हूं, आप उनको एक बार देख ले, नोट कर ले, लर्न कर ले, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इनको यूज करने को आएगा, ठीक है। इनको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद ये सब कब था, जब एक लिक्विड के लिक्विड का सोल्यूशन आपने बनाया, तो आप देखा ध्यान से देखेंगे, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा लिक्विड सोल्यूशंस का, लिक्विड सोल्यूशन लेट आपने एक कंटेनर लिया हुआ है लिक्विड का, यहां पर ये लिक्विड ए और बी फिल थे, इन लिक्विड्स का यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है उनको हमने एक्स ए और एक्स बी बोला था, लेकिन ये लिक्विड यहां पर क्या होंगी वेपर स्टेट में भी तो प्रेजेंट होंगी, तो यहां पर एक वेपर मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा, उस वेपर मिक्सचर में ए और बी के मोल फ्रैक्शन हमने अज्यूम कर लिए वाई ए एंड वाई बी हो जाएंगे, तो वाई ए वाई बी क्या हो गए वेपर स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, वाई ए एंड वाई बी आर वेपर स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो यहां पर क्या होगा वाई ए और वाई बी अगेन अगर मोल फ्रैक्शन है तो उनका सम हमेशा क्या आने वाला है वन। अब ये वेपर स्टेट के ऊपर अप्लाई हो रहा, तो वेपर स्टेट में आप कौन सा लॉ फॉलो करोगे डाल्टन्स का लॉ, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता था डाल्टन्स लॉ इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो यहां से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए निकालोगे वो क्या आएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है भाई। ऐसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी निकालेंगे तो वो कितना आएगा वाई बी इनटू टोटल प्रेशर, क्लियर है भाई। यहां से हम लोग वाई ए वाई बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वाई ए का वैल्यू कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, और लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर हमने ये निकाल के रखा हुआ है और टोटल प्रेशर हमने ये निकाला है, वो दोनों वैल्यू वहां पे रख दीजिए आपको वाई ए मिल जाएगा, इन दी सेम वे आपको ऐसे वाई बी भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज जो आपको अच्छे से समझनी होगी वो है इसके कुछ क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है, जो आपको कुछ तो क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस जाते हैं आपको वैल्यू पुट करनी होगी और सॉल्व करना होगा, उसके अलावा कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको वहां पे प्रॉपरली सॉल्व करके फाइंड करने होंगे, तो जो सॉल्व करके फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के करना होगा, और कुछ इसमें ट्रिक भी करते हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊं कि ये लोग क्या करेंगे, ये आपको बोलेंगे कि टू लिक्विड्स ए एंड बी आर इमिसिबल विच इज इमिसिबल विद ईच अदर, अगर दो लिक्विड आपस में इमिसिबल है, हम लोग यहां पर इमिसिबल लिक्विड ले रहे हैं,
अगर दो लिक्विड आपस में कैसे हैं, इमिसिबल हैं, तो अगर लिक्विड आपस में इमिसिबल होंगे तो वहां पर क्या होगा, उसका मतलब यह होगा कि दोनों के मोल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी यहां पर अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन देखा जाएगा तो वो ऑलवेज आपको बिल्कुल एक दूसरे से कैसा दिखेगा, इंडिपेंडेंट दिखेगा। यानी लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन पूरा पूरा अपने आप में एक सोल्यूशन की तरह ट्रीट करेगा, लिक्विड बी भी अपने आप को एक सोल्यूशन की तरह ट्रीट करेगा। तो इस केस में अगर हमने टोटल प्रेशर निकाला, टोटल प्रेशर क्या आएगा, वो आएगा पीए नॉट प्लस पीबी नॉट, यानी उनके वेपर प्रेशर के सम के इक्विवेलेंट आएगा टोटल प्रेशर। ठीक है भाई, तो ये इमिसिबल लिक्विड एक इस तरह से आपको ट्रिक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा केस होता है कि अगर आपको एक कंटेनर दिया गया है, इस कंटेनर में यहां पर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है तो उसकी वेपर्स भी होंगी। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, एक्स ए और एक्स बी, और वेपर के मोल फ्रैक्शन थे यहां पे वाई ए और वाई बी। फिर इन्होंने क्या किया, यहां से सारी वेपर्स को उठाया और इधर दूसरे कंटेनर में क्या किया, कंडेंस कर दिया। तो जो कंडेंस होके वो लिक्विड मिलेगा, उस लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हमने बोला एक्स ए डैश और दूसरे को बोला एक्स बी डैश, और इस एक्स ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ए के बराबर, और एक्स बी डैश की वैल्यू हो जाएगी क्या, वाई बी के बराबर। और यहां पर जो नई वेपर्स क्रिएट होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई ए डैश एंड वाई बी डैश, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई ए डैश एंड वाई बी डैश। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर देखिए इस चीज में याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है कि चाहे कितनी बार भी आप लिक्विड को कितनी बार भी कंडेंस करें, कितनी बार भी, उसका क्या चेंज कभी नहीं होने वाला है, वेपर प्रेशर। यानी पी ए नॉट एंड पी बी नॉट दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट टिल टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक ये दोनों वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब क्या चेंज हो जाएगा, चेंज होगा मोल फ्रैक्शन, चेंज होगा टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये सारी चीजें चेंज होंगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहां पर लिक्विड ए और लिक्विड बी में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन चीजों का आपको अच्छे से थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज जो इसके बाद करने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। हमारे पास बेसिकली दो तरह के लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, वन इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। तो पहले आइडियल सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग गैस में बोलते थे ना आइडियल गैस, तो आइडियल गैस को कैसे डिफाइन करते, सच गैसेस विच ओबेज गैस लॉ, गैस लॉस, उनको हम लोग आइडियल गैस बोलते थे। ऐसे यहां पर भी सच लिक्विड सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। तो अगर आइडियल सोल्यूशन है तो वो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा, उनका जो भी पी ए नॉट और एक्स ए है ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे, यानी राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ये भी इक्वल आएगा, राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, और टोटल प्रेशर भी किसके इक्विवेलेंट आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के, ये सब इक्वल आएगा क्योंकि राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है। और क्या चीज होगा, डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये सब कंडीशन है। अगर एक सोल्यूशन आइडियल है तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ ही कंडीशन हर सोल्यूशन के लिए होती है, डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी इस प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आइडियल सोल्यूशन वगैरह आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार आपने आइडियल सोल्यूशन अच्छे से बना लिया, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है आइडियल सोल्यूशन में होता क्या है। आइडियल सोल्यूशन लेट आपने ए और बी के लिक्विड थे, तो वहां पे तीन तरह के अट्रैक्शन वर्क करते हैं, एक तो पार्टिकल ए का पार्टिकल बी के साथ, पार्टिकल बी का पार्टिकल बी के साथ, एंड पार्टिकल ए का पार्टिकल बी के साथ। तो यहां पर तीन तरह के अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे होंगे, ये तीनों ही अट्रैक्शन फोर्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो जब तीनों तरह के अट्रैक्शन फोर्स यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी जो डाला उसमें सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम है, अब उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम है, ऐसे सोल्यूशन हमेशा आइडियल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलविन, बेंजीन एंड टोलविन, इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड, सब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मोलिकुलर मास सेम रहता है, ऑलमोस्ट उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, और उनके सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होंगे, तो ऐसे सोल्यूशन क्या बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशंस बनाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ सोल्यूशन था आइडियल सोल्यूशन, उसकी कंडीशंस याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने आइडियल सोल्यूशन अच्छे से बना लिया, उसके बाद अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन बिल्कुल गैस लॉ के तरीके, वो भी दो तरह का होगा, आइदर पॉजिटिवली डेविएटेड या फिर निगेटिवली डेविएटेड। तो यहां पर सबसे पहला आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो है पॉजिटिवली डेविएटेड,
पॉजिटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई भी राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा वो ग्रेटर रहेगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। और यहां पर डेल्टा एच मिक्सचर, यहां पर जो डेल्टा एच मिक्सचर मिलेगा वो भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहां पर डेल्टा वी मिक्सचर वो भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। सिर्फ क्या चीज जो है वो सेम रहेगी, वो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ जाएंगे अगर सॉल्यूशन आईडी पॉजिटिवली डेविएटेड होता है। उसके अलावा और क्या होगा, पार्टिकल वाले सेक्शन में देखते हैं। अगर पार्टिकल ए है और पार्टिकल ए का पार्टिकल ए के साथ इंटरेक्शन, पार्टिकल बी का पार्टिकल बी के साथ एंड पार्टिकल ए का पार्टिकल बी के साथ, ये तीन तरह के इंटरेक्शन यहां पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर होगा क्या, कौन सा इंटरेक्शन विन करने वाला है, यहां पर पार्टिकल ए पार्टिकल बी का अट्रैक्शन पार्टिकल ए बी से ज्यादा होगा। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कि उनका अपने साथ जो एफिनिटी है वो ज्यादा है as compared to the other liquids के साथ, तो वो solution हमेशा क्या बनाएंगे, positively deviated solutions बनाएंगे। ये conditions आपको अच्छे से learn करनी है positive deviation की। इसके बाद next है हमारे पास negative deviation। negative deviation करने के लिए आपको यहां पर उसके लिए भी अगर कंडीशन होगी कि वहां पे solution क्या, अगर Raoult's law से negatively deviate हो जाएगा, यानी negative deviation में क्या होने वाला है, negative deviation में टोटल प्रेशर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, डेल्टा एच मिक्सचर इज निगेटिव, डेल्टा वी मिक्सचर इज निगेटिव, बट क्या चीज सबके लिए सेम है, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और यहां पर लिक्विड ए और बी के टर्म्स में बोला जाए तो लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स से ग्रेटर होगा। ऐसे सोल्यूशन जिसमें दो लिक्विड आपस में मिक्स किएगा उनके बीच में स्ट्रॉन्गर एफिनिटी है एज कंपेयर टू दी उनके अपने खुद के मॉलिक्यूल से, ऐसे सोल्यूशन हमेशा क्या बनाएंगे आपके यहां पर, नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आपको ये सारी कंडीशंस ये सब एग्जैक्टली लर्न होना चाहिए। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अगली क्लास में हम लोग यहां पे कंप्लीट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, थैंक यू।